बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसमा तो किचन। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी और यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो सर्दियों की सौगात है और हर घर में बनाई जाती है। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ लाहौरी फ़िश फ्राई। तो आइए देखते हैं लाहौरी फ़िश फ्राई बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाई जाती है। फ़िश लिया है मैंने जी, जिसको मैंने पीसेस कटवा लिए हैं, और 2 से 3 टेबलस्पून मैंने बेसन लिया है, 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें ली हैं जिनको मैंने 2 से 3 टेबलस्पून सिरके में डाल के उसको ब्लेंड कर लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, और 1 टेबलस्पून मैंने सूखा धनिया और ज़ीरा लिया है क्रश लिया हुआ, 1/2 टीस्पून मैंने अजवाइन ली है पीसी हुई, और 1/2 टेबलस्पून मैंने सुरख मिर्च का पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने जो है वो ज़रदा रंग लिया है, और 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है, और 1 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं। तो आइए इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। ट्रे में फिशेस के पीसेस जो हैं वो इस तरह लगा रहे हैं, मसाले तो मिक्स करेंगे, इस तरह फिश के ऊपर छिड़क देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चें, इनको आपस में मिक्स कर देंगे। इसी तरह इनको साइड चेंज करने दें। दोबारा से मसाला छिड़क देंगे। बेसन तो प्रोसेस की तरफ आते हैं, बेसन डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून मैंने बेसन, थोड़ा सा पानी डालेंगे, लाहौरी फिश फ्राई में बेसन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है तो इसका मसाला जो है वो उतरे ना, फिश की बाइंडिंग अच्छे से हो, सिरके का भी इसलिए मैंने इस्तेमाल किया है तो फिश जो है वो टूटे ना। फ्राई करने के दौरान जो फिश जो है वो उसके पीसेस जो है वो टूटे ना, और इससे फिश का टेस्ट जो है वो भी मज़ीद इनहेंस हो जाता है। इस तरह इसका बैटर जो है मैंने बेसन को तैयार कर लिया है, बेसन में इस तरह डिप करने हैं और इसे वापस ट्रे में रखते जाएंगे। इसी तरह मसाला लगा के इसे 3 से 4 घंटे मैरिनेट करेंगे। अगर आप इसे ओवरनाइट मैरिनेट करेंगे वो फिश में रच जाएगा, इससे फिश का टेस्ट जो है और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। मसाला सारा इसमें डाल देंगे, मसाला लग चुका है फिश को, अब हम इसे मैरिनेट होने के लिए 4 से 5 घंटे मैक्सिमम, आप इसे मैरिनेशन के लिए टाइम दे रहे उतना ही ज़्यादा जो है वो इसका टेस्ट जो है वो अच्छा आएगा। मैं इसे ओवरनाइट छोड़ूंगी, कल इसे फ्राई करूंगी। इस तरह ढक के आप इसे फ्रिज में रख लें, फ्रिज में रखने से
फिश तो मैरिनेट थी, ये तो दिन हो चुका है, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमारा तो गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं बस यहाँ पर दो पीसेस ही फ्राई कर रही हूँ। इस तरह मेरा मैरिनेट करके आप इसे फ्रीजर में रख सकते हैं, और जब आपका दिल करे फिश को फ्राई करें। मैं सिर्फ दो पीसेस ही फ्राई करूँगी। शुरू में आंच जो है वो मीडियम रखनी है, फिर आंच को स्लो कर देना है, और 5 मिनट एक साइड से पकाएंगे और 5 मिनट दूसरी साइड से, साइड चेंज करेंगे। इस तरह स्लो आंच पे दोनों साइडों से 5-5 मिनट जो है वो इसको फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल स्लो आंच पे फ्राई हो जाती है। लीजिए जी, मजेदार सी हमारी लाहौरी फिश फ्राई जो है वो तैयार है। उम्मीद है आप तो हमारी आज की वीडियो रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी। अगर आप तो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो तो तमाम नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइम पर मिल सके। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।